10 सेकंड्स में इतने सारे लोग आए हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है आप लोगों को लाइव देखकर, और देखते ही लाइक कर दीजिए, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिनर में आप सब ने क्या खाया वो बताइएगा। एंड जस्ट हम लोग का तो डिनर 7:30 बजे हो गया था, छोटे मोटे काम थे वो भी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा लाइव जाकर सबसे बात की जाए, क्या चल रहा है क्या नहीं। और मैंने अभी सोचा है ना कि हर फ्राइडे को मैं रात में लाइव आऊँगी। टाइमिंग एक्चुअली 10 बजे का रख सकते हैं, तो हर फ्राइडे को 10 बजे मैं लाइव आऊँगी। हाय तनुजा, रिया, नेहा, साक्षी और इंडियन मॉम सिल्की, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टॉक विथ एवरीवन, ठीक है? इन केस आपके कोई क्वेश्चन है तो जस्ट लेट मी नो। हाय अक्र का, शैले, विंकी, प्रिंसेस, काफ़ी सारे लोग आ गए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। ओके, तो जो भी आपके क्वेश्चन है जस्ट मुझे आप पूछिए। एंड मिस अनिका ऑल्सो इज हियर, वेरी नाइस। तो आपको मेरे इयररिंग्स कैसे लगे? मैं एकदम बढ़िया हूँ, मैं एकदम बढ़िया हूँ। और थैंक यू इंडियन मॉम कुक्स यूके, थैंक यू सो मच। यूके में आप कहाँ रहती है बताइएगा। और कशिया है, यू रिमेम्बर आपन वाशी इन ऑर्बिट ला भेट लो हो तो रोश आर, रोश आर। क्या आप मुझे रोश आर थोड़ा सा और याद दिलवा सकते हैं? इन ऑर्बिट मॉल वाशी में तो मैं बहुत सारे सब्सक्राइबर से मिलती थी, बस मुझे थोड़ा सा हिंट दे दो तो मेरे या मुझे याद आ जाता है कि हाँ, ग्लैम वूमन। हाय, ओके, सो जल्दी से बताइएगा क्या खाने में खाए आप सब लोग, बताइएगा। ओके, मेरे देवर जी भी शायद पहले बिरमिंगम में ही रहते थे, देन वो मैनचेस्टर शिफ्ट हो गए। योर एयरिंग इज़ ब्यूटीफुल, थैंक यू फारा, थैंक यू। आपने आपने वेट रिड्यूस किया है, आप डाइट शेयर करें। श्योर मैं डाइट शेयर करूँगी, यस। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा। मैं तुझे खूब जूनी सब्सक्राइबर आ है, पूनम बख्शी, हेलो पूनम बख्शी पुरानी। वी क्लिक विथ माई 5 ईयर्स ओल्ड डॉटर रोश आर। रोश आर, थोड़ा सा और कोई शॉप वगैरह याद है आपको किसके सामने? रोश आर, मुझे लग रहा है, यस, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। यस यस, आप मुझे मेल करिएगा। ओके, क्या क्वेश्चन था? आचास मेनू गावा गाउची खीर, अच्छा वाओ। अच्छा, तो मैंने आज ना पिटला बनाया था। पिटला एक महाराष्ट्रियन वो होता है, रेसिपी है ये, एक महाराष्ट्रियन डिश है जो कि काफ़ी ऑथेंटिक मानी जाती है। ओहो, पाव भाजी भी किसी ने खाई है। ओके गाइस, सो मम्मा अर्थ का कौन सा फेस वॉश अच्छा है? सोनू जी, आप ट्राई कर सकते हैं मम्मा अर्थ का उपटन फेस वॉश, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। और मी चिकन घेतलो होतं दी, इशिका जी, एकटं एकटं चिकन खाल्लं वय तुम्ही? यस आई नो, अवंती बोल रही है, पुष्का। अच्छा गाइस, कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन हो जो मेरे से आप जानना चाहते हो, हाय लावी, तो प्लीज़ लेट मी नो। मैम, मुझे 12th में 70% आए हैं, मैं सैड फील कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स को 80 से ऊपर आए। निधि जी, देखिए, परसेंटेज आपकी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता। हो सकता है आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो, किसी और टैलेंट में आप अच्छे होंगे, सो परसेंटेज आपको डिफाइन नहीं कर सकता, फर्स्ट। सेकंड, अभी उनको अच्छे मिले हैं परसेंटेज, आपको नहीं मिले, इसका मतलब कि आप खुद को डिमोटिवेट फील करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, मैं भी स्कूल में एवरेज स्टूडेंट थी, और 12th में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आया था, बहुत ही अच्छे नहीं आए थे, मैं थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो गई थी। बट आज जब मैं अपने फ्रेंड से मिलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे ये सब बनाना था, इसीलिए मुझे उस समय इतना ज़्यादा, मतलब 12th में मार्क्स नहीं आए, और अच्छा हुआ नहीं आए, अगर आते तो हो सकता मैं किसी और फील्ड में जाती। बट BMS करने की वजह से भी मुझ में काफ़ी कॉन्फिडेंट आया, क्योंकि BMS में ना, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडी अगर आपने की है तो आपको पता होगा, नहीं मतलब जिन्होंने किया उन्हें पता होगा, मैं आपको बताती हूँ कि BMS में ये होता है ना कि जब आप
किसी प्रेजेंटेशंस वगैरह बहुत देते हो, पूरे साल आपके प्रेजेंटेशंस वगैरह बनते रहते हैं, प्रोजेक्ट बनते रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस मिला। और वो 3 साल ना मैंने बहुत सारे स्टेज पर ना अपने प्रेजेंटेशन दिए, जिसकी वजह से मुझे लाइफ में बहुत हेल्प मिला। तो कहीं ना कहीं अच्छा है। योर फेवरेट व्लॉग्स ड्यूरिंग क्वारंटाइन? मेरा फेवरेट व्लॉग ड्यूरिंग क्वारंटाइन, मुझे तो अपने सारे ही व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, बट अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। राज पापा को लाओ। राज पापा अम्मा के साथ है, बिकॉज अम्मा के साथ कोई ना कोई होना चाहिए। दी ओपन पोज के लिए कुछ बताइए। ओपन पोज के लिए ना आप डेली रोज वाटर या कुकुमटर या फिर कुक टोनर जो भी होता है, इससे इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए। हाय किरण, लुकिंग ब्यूटीफुल स्वीट सुपर किरण जी, और माय इंस्पिरेशन किरण जी, लव यू किरण जी, अनिका प्रिंसेस भैया, नेहा जी, थैंक यू सो मच, बहुत क्यूट लग रहे हो, रूपा जी बोल रही, थैंक यू। अच्छा, आपके क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो गाइस, एंड मुझे अच्छा लगेगा आंसर करने में। हाउ आर यू? आई एम फाइन गाइस। इसेंशियल ऑयल्स के बारे का रिव्यू चाहिए। हीना जी, इसेंशियल ऑयल्स हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इतना ज़्यादा लोग उसे वो नहीं देते, बट बिलीव मी, इसेंशियल ऑयल्स को आप मल्टीपल वे से यूज़ कर सकते हैं। आप उसे अपने फेस पैक में डाल सकते हैं, हेयर मास्क में डाल सकते हैं, इट्स वेरी इसेंशियल। आप घर में भी काफ़ी सारी उसकी यूजेस कर सकते हैं, उससे अच्छी खुशबू आप फैला सकते हैं घर में, डिफ्यूज़र में यूज़ कर सकते हैं उसकी खुशबू फैलाने के लिए। और दी मेकअप इतने रात में क्या हुआ? मॉम्स गर्ल, एक्चुअली मैंने अभी अभी कुछ वीडियो शूट किए, तो वीडियो शूट करने के बाद अभी तक मेकअप रिमूव नहीं किया है। मैं भी किरण हूँ पाकिस्तान से। हाँ किरण जी, फ्रॉम वेयर यू परचेज दिस कुर्ती? अच्छा, ये कुर्ती मैंने मीशो से ली थी। मीशो से मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ, तो यस, मैंने मीशो से की थी। मैम मेरा नाम लीजिए, बाय द वे लुकिंग सो क्यूट, लाइफ ऑफ संगीता। रफ ड्राई बालों के लिए मास्क अच्छा लगाइए, और ट्वाइस इन अ वीक लगाइए। पिंपल के लिए एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ वाली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करिए। मैम 40 एज के बाद कौन से क्रीम लगाना चाहिए मम्मी के लिए बताइए। जैनाब जी, डेफिनेटली एजिंग वाले प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए, जो कि आपको मतलब एक मैच्योर स्किन की एजिंग को रोकने के लिए जो क्रीम्स आते हैं, जैसे लोटस के आते हैं, लॉरियल के आते हैं, आप इन सब को ट्राई कर सकते हैं। पॉन्ड्स का भी आता है, बट ये रेंज थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ शो अस योर बालकनी व्यू। श्रुति जी, इस समय दिखाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस समय बारिश हो रही है, और सेकंड अंधेरा रहता है, इतना ज़्यादा नहीं दिखता है। डोंट माइंड, यू आर नॉट लुकिंग गुड। स्टैसी टिटूस जी, कोई बात नहीं, मैं आपके भी, अगर मैं अच्छी दिख सकती हूँ किसी को, तो ज़रूरी नहीं हर किसी को, तो आपने ऑनेस्टली मुझे बताया, दैट्स रियली ग्रेट। इट्स मी रजनी रेड्डी। हेलो रजनी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय द वे, ये आईडी ऐसा क्यों हो गया 7D11 इशिता रेड्डी? ये क्या, इशिता आपकी बेटी है ना? हाय श्रुति आनंद, हाय। ओके, मैं और कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना चाहती हूँ, बट मेरे से मिस हो रहे हैं। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल As you are looking, kindly make video for pigmentation for 45+. Sure. दीप्ति जी, इसके लिए एक्चुअली मैंने 2 दिन पहले ही सारी चीज़ें निकाली है। बाल्ज एरिया में न्यू हेयर ग्रोथ के लिए इफ़ेक्टिव कुछ बताएं? डेफिनेटली ऑनियन ऑयल या फिर सल्फर वाला ऑनियन ऑयल। इनफैक्ट मैं देखिए लेकर बैठी हूँ, मैं इसी को एक्चुअली कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, सो सोनाली जी, यू शुड ट्राई दिस वाओ का ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, इट्स रियली इफेक्टिव एक्चुअली। और वाओ, काफ़ी लोग आ गए हैं ऑनलाइन, अच्छा लग रहा है, सबको एक्साइटेड है। हेयर फॉल के लिए कुछ बताइए। देखिए, मैं आपके लिए, सबके लिए हेयर फॉल का ही वीडियो का तैयारी कर रही थी, ये बताऊंगी बहुत जल्दी आपको डिटेल में। एंड कुछ क्वेश्चंस, अनिका दूसरे रूम से चैट बॉक्स में मैसेज कर रही है। यस भूमि जी, यस, बिग फैन ऑफ दी सीक्रेट ऑफ योर स्माइल वीडियोस ऑफ स्वीट डॉल मिस दिव्यांशी। आई डोंट नो, मैं बचपन से थोड़ी सी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ नेचर की हूँ, एंड हमेशा हंसती रहती हूँ,
आई लव योर डेली ब्लॉग्स अनिका, इज सो क्यूट. आप ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले स्टे होम से इसे बोलते हो, इसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो. थैंक यू दीप नवमी. वॉट आर यू? ओके गाइस, जस्ट अ सेकेंड. थोड़ा सा इंदुलेखा ऑयल कैसा? इंदुलेखा ऑयल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है. किरण दी, रात 10 बजे से धाक से बैठी हूँ, लुकिंग ब्यूटिफुल. सी गाइस, आई एम द गर्ल वुमेन जिसे मेकअप अच्छा लगता है. एंड आज मेरी ये छोटी बेबी ने आज क्या किया था मैं आपको बताना चाहूँगी. इसने आज बहुत सारा काजल लगा लिया था. आई वॉज डूइंग माई मेकअप एंड मीन वाइल अनिका अपना कर रही थी एंड आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट कि अनिका पीछे से अपना मेकअप कर रही है. देन आई सॉ दैट अनिका ने अपना मेकअप लगा लिया है, तो इसलिए अनिका के आंखों में हल्का काजल आपको दिखेगा. अच्छा अनिका, कोई गाना गा दो आज. चलो कौन सा गाना गाना है? फेडेड अलोन. अलोन गाती बहुत. हाँ हाँ, अलोन गा दो. चलो मेरे ऊपर थोड़ा सा बोलाओ ना. हाँ थोड़ा सा करूंगी क्योंकि मैंने एक्चुअली से फिक्स किया. हाँ, लॉस्ट इन योर माइंड, लेट मी गो. Oh, am I losing my mind? Never let me go. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere, whenever, our power's still together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Nice. Okay, thank you. और एक कौन सा? डांस मंकी. डांस मंकी बहुत लोग कह रहे थे डांस मंकी गा. अच्छा थोड़ा सा गा दो. चलो. They say, oh my God, I see you where you shine. Take your hands, my dear, place them both in mine. You know to stop me dead and I was passing by. And now I'm back to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. No abide, I like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I'm back to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, yeah. I never seen anybody do the things you do before. Thank you. Oh, ओके वो सैनोरिटा. सैनोरिटा भूल गई मैं. मेरे को थोड़ा सा. आई लव इट व्हेन यू कॉल मी सैनोरिटा. आई विश आई कुड प्रिटेंड आई डिड अ नेचा. बट एवरी टच इज यू ला ला ला. It's true, la la la. Oh, I should be running. Oh, you'd keep me coming for landing, my mammy. The air was hot from summer and she's dreaming of me before I even know her name. La la la. It's true, la la la. वो कहा फ्रोजन का था. वो तो उसका था ना, क्या नाम है अभी? अरे जो न्यू आया है का. नहीं, न्यू वाला नहीं, पुराने वाला. लेट वो फ्रोजन वाला गाइस क्या नाम था? हाँ, लेट इट गो वाला. मेरे को नहीं आता, भूल गए तो. पर लेकिन सीखा ही नहीं था मैंने. लेट इट गो देखो नहीं आता वो मेरे को. नहीं आता है. अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं. तुमने जितना गा दिया उतना भी काफी है गाइस. बहुत सारे लोग वो वास्ते कर रहे हैं. ओ वास्ते, थोड़ा सा चलो.
वास्ते जा भी दू मैं गवाए माँ भी दू किस्मतों का लिखा छोड़ दू मोड़ दू मोड़ दू पतले मैं तेरे जो खुदाए खुद भी दे जन्नते सच कहूँ छोड़ दू तुमसे ज्यादा मैं ना जानू तुमसे खुद को मैं पहचानू तुमको बस मैं अपना मानू माहिया तुमसे ज्यादा मैं ना जानू तुमसे खुद को मैं पहचानू तुमको बस मैं अपना मानू माहिया वास्ते जाप दूं मैं गवाए माप दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं नाइस नाइस ओके अभी अनिका ने ना रिसेंटली और एक गाना सीखा था कौन सा बेबी वो वाला लीली वाला पर पूरा नहीं सीख पाए ना लॉकडाउन के वजह से ना बाबू वो वाला नहीं वो जो बॉलीवुड वाला हमने सॉन्ग सीखा था वो मैं भूल गई मैं भूल गई तेरा काटा नहीं तेरा काटा नहीं रे बाबा वो पल एक पल वो कहाँ सी लेकिन बट वो सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वो है पल पल वो पुराना वाला पल पल नहीं वो नया वाला पल पल क्या था बेबी पल एक पल मैं ही थम सा गया बहुत अच्छा गाना है मेरे को आता है लेकिन लिरिक्स नहीं पता लिरिक्स हमको याद करने है ना यस यस तो कहते हाय शेफाली हाय सिदी हाय भूमि शीतल दिशा हाय दिशा जी सिदी ड्रीम शेफाली ओह काफ़ी लोग आ गए हैं तो अनिका ने अपना अच्छा खासा लाइव कॉन्सर्ट आपके साथ शेयर किया आई रियली होप यू एंजॉयड हाय हैप्पी एक अभी और आ रही हूँ अगर मैं क्योंकि चली जाऊंगी हाँ क्योंकि अगर आपको और कुछ पूछना है मुझसे क्वेश्चन आंसर तो आप पूछ सकते हो अच्छा मुझे जब भी रात को भूख लगती है तो मैं मेरी 12 इयर्स की सिस्टर रात को 1-2 बजे पिटलो पोली बना के खाते हैं शी मेक्स अमेजिंग पिटला ग्लैड टू नो दैट यू लाइक पिटला खुशी भावसार जी इवन आई ऑल्सो लाइक पिटला अच्छा मुझे किसी ने अभी कमेंट किया था कि बिकॉज ऑफ मीशो उन्होंने अपना ये जो रीसेलिंग वाला बिजनेस स्टार्ट किया है और मीशो उनको मेरी वजह से पता चला है एंड वो अभी यस यस उनका कमेंट आ गया है अनिका तूर डायरीज ने बोला है मैम एज यू रिकमेंड मीशो आई जॉइंड इट एंड इट हेल्प मी टू क्रिएट माई ओन आइडेंटिटी माई नेम इज़ भाग्या रेखा हाय मैम तो बहुत अच्छा लगता है गाइस कि बिकॉज ऑफ मेरे कुछ वीडियोस की वजह से आपको इतना मतलब वो होता है हाय तुलिका हाय हो मी पण तुझ्या मुले शिकले पिठलं बनवायचं वा तुलिका आज हमने रात को पिठला ही खाया है ना यस यस ओके हाय हैप्पीनेस पीस अनिका कितनी समझदार हो गई है जी हाँ आप अनिका को बचपन से देखते हैं अनिका जब आई थिंक 4.5 इयर्स की थी तब से मैं यूट्यूब पर वीडियोस डोनाल्ड डक के साथ ऐसे खेल रही थी यस 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 सो अनिका को अच्छे से बोलने भी नहीं आता है तब से अनिका यूट्यूब पर है ना और आज अनिका अगले महीने 9 साल की होने वाली है yes, बहुत जल्दी मेरा बर्थडे सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हो रही है बर्थडे की यस अनिका के लिए यस अनिका के लिए मैं बहुत सारी शॉपिंग कर रही हूँ और जैसे ही सारे कपड़े आ जाएंगे आई विल शो यू गाइस लेट्स सी कैसे आते हैं कपड़े आई एम वेरी एक्साइटेड व्हाट अबाउट मी टू ओके गाइस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हाय दिशा जी किरण आई वाज ईटिंग मैगी नाउ आई एम रिमेम्बरिंग आज हम लोग पता है क्या बात कर रहे थे आई विल टेल यू गाइस व्हाट हैपेंड आई मेड पिटला तो अम्मा बोली ये क्या बना दिया है तो मैंने बोला कि अम्मा पिटला बनाया है पिटला सो अम्मा बोली व्हाट इज पिटला एंड ऑल मतलब ऐसा पूछा कि ये क्या होता है पिटला वगैरह तो मैंने बोला अम्मा पिटला एक महाराष्ट्रियन डिश है तो जैसे ही महाराष्ट्रियन बोलती है अम्मा को थोड़ा सा लाइक ओ हाँ कड़ी जैसा बोले अम्मा वॉज लाइक ओ महाराष्ट्रियन खाना बनाया आज उसके बाद अम्मा वॉज लाइक मुझे ये पिटले पिटले नहीं पसंद है और आज सुबह बना था हमारे घर पर भरता बैंगन का दैट टाइम ऑल्सो अम्मा
नहीं मुझे ये बैंगन का भरता वगैरह नहीं पसंद है। तो आई वाज लाइक अम्मा आपको पसंद क्या है? मैगी। अम्मा सर मैगी। लाइक अ किड अम्मा ने फटाक से बोल दिया मैगी। मतलब अम्मा को भिंडी नहीं पसंद, अम्मा को बैंगन नहीं पसंद, अम्मा को कोई भी ऐसी सब्जी करेला नहीं पसंद। अम्मा ये एक दिन बोल रही थी कि मैं ये सब सब्जी बचपन से नहीं खाई हूँ। कोई तो कुछ तो सब्जी को बोल रही थी। हर सब्जी को, इनफैक्ट हर सब्जी को अम्मा बोलती बचपन से मैंने ये सब्जी खाई नहीं है, मैंने ये सब्जी तो बिल्कुल खाई नहीं है। तो मैंने बस पूछा अम्मा आपको क्या पसंद है? अम्मा मैगी। मैंने बोला यस ऑब्वियसली आपको मैगी पसंद है। एक दिन मैं सुबह कंफ्यूज थी कि यार क्या बनाओ ब्रेकफास्ट में। नहीं गाइस अम्मा मराठी नहीं, अम्मा यूपी की है। उत्तर प्रदेश। तो एक दिन अम्मा को मैंने पूछा अम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं। तो अम्मा बोलती है मैगी। मैंने बोला सारे सब्सक्राइबर मुझे बोलते हैं कि किरण तुम अपनी सास को मैगी खिलाती हो जो कि उनके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और ऐसे सब बोलते हैं। और मैं अगर ये दिखा दूँ कि अम्मा ही मैगी मांगती है तो अच्छा लगा आप दोनों को लाइव देखकर। थैंक यू दिशा जी। तो एक दिन मैं मैगी बना रही थी मैं खुद के हाथ से। मैं मम्मी की मतलब मैं थोड़ी मम्मी की हेल्प ली थी। तो मैंने सबसे टेस्ट करवाया था तो मसाला कम हो गया था, और उधर से अम्मा मांग रही थी दे आओ दे आओ अनिका दे। मैंने बोला अम्मा रुक जाओ मसाला इसमें ज्यादा नहीं है, मसाला डाल के आपको दूंगी। फिर मैंने दिया तो मैंने मम्मी ने बोला कि शुगर ज्यादा होता है तो उनको थोड़ा सा कम दो। उसने बोले और दो और दो, और पापा बोले कि मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा अम्मा को ज्यादा दे दो। बोला तो अगर मैगी बन रही है तो अम्मा तुरंत मैगी बोलेंगी। और एक चीज, हमारे घर में अगर कुछ ऐसा बनता है और उसकी खुशबू अगर थोड़ी भी मैगी से मैच हो गई, थोड़ी भी, अम्मा बस मैगी बनी थी घर में मेरे को नहीं मिली। मुझे नहीं मिली तो मैं बोलती हूँ अम्मा सच में मैगी नहीं बनी। नहीं मैगी घर में बनी थी। मैंने नहीं बनी थी अम्मा, नहीं बनी थी। अब मैं बोलती फिर आओ किचन में देख लो किधर बनी थी। मतलब अम्मा जी मैगी के लिए हर वो हद पार कर सकती है। जब हम लोग लखनऊ जाते हैं, और लखनऊ से कुछ दूरी पर हमारा गांव है, तो वहां पर जाते हैं सो क्या होता है, मुझे आंखों में आंसू आ रहा है हंसी हंस के। सो वहां पर क्या होता है कि रास्ते में ऐसे छोटे छोटे ढाबा काइंड ऑफ होते हैं जहाँ पर चाय वगैरह मिलता है ना, वो सब होता है, और वहाँ पर मैगी भी मिलती रहती है। तो अम्मा वॉज लाइक अम्मा को चाय वगैरह नहीं चाहिए, मम्मा मैगी देना भैया मैगी देना। और अम्मा ऐसा बिहेव करने लगती है जैसे अम्मा ने कभी मैगी नहीं खाया, और जोर जोर से चिल्लाने लगा मैगी देना भैया गाड़ी से, क्योंकि उनको गाड़ी में से उतरने में आलस आता है और थोड़ा सा दिक्कत भी होती है, फिर वापस चढ़ाओ वापस। अम्मा जोर मैगी देना भैया। उस समय पर लिटरली ऐसे लगता है ना लिटरली कि इन्होंने मैगी कभी नहीं खाई है। पहले एक दिन मतलब नीटू चाचा की छोटी बड़ी वाली बहन छोटी दोनों तो बड़ी बहन मम्मू मतलब कि वो क्या नाम था वृंदा, हाँ वृंदा मांग रही थी मैगी। बहुत लेट आई थी रात को, अम्मा भी मैगी मांग रही थी। पहले अम्मा शुरू की मैगी दे मैगी दे। अरे फिर हमने मैगी बनाया, रोज मैगी खाने लग गए। और वृंदा की जो मम्मी थी वो रोज चमाट लगाती थी फिर भी वो नहीं सुधरती थी। एक्चुअली मैगी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो बेचारी जो नेहा है बेचारी वृंदा को बोलती थी बेटा मैगी मत खाओ। एंड हम लोग जब गांव जाते तो क्या होता है वहाँ पर कि मैगी एक ऐसा ऑप्शन होता है जो फटाक से बन जाता है। yes. और जब भी किसी को भूख लगे फटाक से बना लो। सो उसमें सबसे पहले तो अम्मा लाइन में खड़ी रहती कि मैगी चाहिए तो मुझे चाहिए।
एंड कॉम्प्रोमाइज थोड़ा भी नहीं होता है. तो इस तरह से अम्मा और मैगी का एक अलग रिलेशनशिप है. एंड जो भी मुझे बोलते हैं ना कि अपनी सास को मैगी मत खिलाओ, अच्छा नहीं होता, अनहेल्दी होता है, प्लीज मुझे मत बताओ, अम्मा को अम्मा को बताओ. बता क्योंकि अम्मा का मैगी से ऐसा रिलेशन है, मैगी और अम्मा को नॉन वेज ये दो चीजें दे दो बस बहुत है. नहीं, चिकन दे दो ना, गप गप खा जाती है. हाँ मतलब चिकन का इतना मतलब वो नहीं है कि चिकन जो राइट. तो चलिए गाइस मैं निकलती हूँ. और उमा जी मुझे बोल रही है प्लीज से माय नेम स्नेहा अग्रवाल, आई एम योर बिगेस्ट फैन, लव यू मैम, योर फैमिली इज सो सपोर्टिव एंड क्यूट, लवली लवली फैमिली, थैंक्स फॉर सच ए लवली एंड अमेजिंग व्लॉग्स. थैंक यू उमा या स्नेहा. और गाइस अरे एक चलिए मिनट, चिकन नॉनवेज अनिका की ड्रेस क्यूट लग रही है, कहाँ से लिया तो ये ये हम मैक्स लोग? से है, हाँ मैक्स से लिया है. दोनों भी मैक्स से है. नहीं, ये मैक्स से नहीं लिया था ना, ये कुछ अंडमान के लिए लिया था. हाँ ये भी मैक्स से ही लिया था हमने बेटा. अच्छा ओके गाइस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वाचिंग अस, इट रियली मीन्स अ लॉट. बहुत एंड फन किया आपके साथ. सो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा.